सभी साधकों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। और आप सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हो और हमारे वीडियो से लाभ उठाते हो। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से लाभ उठाकर परमात्मा से जुड़ें, अपना कल्याण इसी जन्म में करें। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। राम प्रेमी भक्तों, जब भगवान हमारे आसपास होते हैं तो हमें क्या संकेत मिलते हैं, किस तरह से हम जाने? क्योंकि जो भी साधक भक्ति करते हैं, नाम जब भजन ध्यान करते हैं, वो सभी चाहते हैं कि वो उन संकेतों को जाने, जिससे वो जान पाए कि इष्ट की, भगवान की उनको कृपा मिल रही है। तो देखिए, भगवान हमारे आसपास तो हर समय रहते ही हैं और वो हर जगह मौजूद हैं। कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वो जर्रे जर्रे में है, वो हमारे आसपास है, वो हमारे भीतर भी हैं, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देते, सबको महसूस नहीं होते, वो उसी को महसूस होते हैं, जिसके लिए तुलसीदास ने कहा है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, सूझ वाली आँख ने पहचान की। सूझ वाली आँख का मतलब जिसको ज्ञान हो गया है, जिसकी भक्ति आगे बढ़ गई है और भक्ति से उसको ज्ञान हो गया है। ज्ञान जब होता है तो उसको वो जर्रे जर्रे में नज़र आने लगते हैं, उसकी कृपा हर पल हर समय महसूस होने लगती है, क्योंकि हर जगह व्यापक है पर नज़र आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। हर जगह है वो, लेकिन योग करना पड़ेगा, साधन अपनाना पड़ेगा। जैसे कहीं जाना चाहते हो तो बिना साधन के आप पहुँच नहीं सकते। पैदल भी जा रहे हो, वो भी एक साधन है पैरों का, साइकिल पे जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कोई ना कोई साधन अपनाना पड़ेगा मंजिल तक पहुँचने के लिए। ऐसे ही आपको भगवान की कृपा पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए साधन अपनाना पड़ेगा। फिर चाहे आप कोई सा भी साधन अपनाओ, तरीके बतेरे हैं, साधन भी बतेरे हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम तरीका है वो हम आपको हर रोज़ बताते ही रहते हैं। अब आप करते कितना हो तो आप स्वयं ही जानते हो। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान हमें संकेत देते हैं, तो इंसान जो है कई तो समझ जाते, कई समझते नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूँ क्या ना करूँ, आप जो है डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो उस समय यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो पहले से ही, तो किसी के द्वारा कोई संकेत आपको मिल जाएगा या आपके अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी कि ये काम करो, ये सही है। तो समझ लो भगवान आपके आसपास हैं, आपको बता रहे हैं कि ये काम करो। आपने खुद ऐसा महसूस किया होगा, कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं जाने वाले थे यात्रा पर, लेकिन आपके अंदर से कोई आवाज़ आई कि नहीं रुक जाओ। आप रुक भी जाते हो, आपको बुरा भी लगता है कि मैं क्यों नहीं गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि जहां हम जा रहे थे वहां तो कोई दुर्घटना हो गई और हम बच गए। तो ये भगवान ने संकेत दिया आपको कि रुक जाओ, मत जाओ वहां, वहां कुछ गलत होने वाला है। वो ऐसी ऐसी चमत्कार कर देते हैं परमात्मा। अभी कल ही हमें कहीं जाना था दिन में 1:30 बजे, तो हम बिल्कुल भूल गए कि जाना है, हमें बिल्कुल भूल गए, याद ही नहीं आया। फिर हमें शाम को याद आया कि हमें तो कहीं जाना था, तो हमने सोचा चले चलते हैं, चलो क्या पता मिल जाए वो व्यक्ति। तो हम गए तो वो बिल्कुल जो है फ्री बैठे हुए थे, और हमने कहा हम 1:30 बजे नहीं आए, क्षमा चाहते। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने 1:30 बजे नहीं आए, आज तो हम 1:30 बजे थे ही नहीं, ऐसे तो रोज़ रहते लेकिन आज नहीं थे हम। तो देखो, परमात्मा ने हमारे दिमाग से उस बात को निकाल दिया बिल्कुल कि 1:30 बजे जाना है, तो उसको मतलब दिमाग से गायब ही कर दिया कि ये ना जाएं, और जाएंगे तो वहाँ पर वो मिलेंगे नहीं, फिर निराश होकर आएंगे। तो ये संकेत दिया उन्होंने, ये भी एक संकेत है।
कई बार भूली हुई चीज़ को याद दिला देंगे, कई बार जो याद है उसको बुला देंगे यदि हमारे लिए वो सही नहीं है तो। और हम शाम को गए, आज से मिले और तुरंत बात करके आ गए क्योंकि वो हमें मिल गए, फ्री थे और बिल्कुल। और कई बार ऐसे ऐसे काम जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरे काम हो जाएंगे, वो काम अपने आप होने लग जाते हैं। राम की कृपा हो जाती है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर वही। अपने आप ही सामने वाला आपका काम करता है, हाथ जोड़ के करता है। और आपके घर पे ऐसे ही साधु संत कोई आ जाता है, आपको आशीर्वाद दे के चला जाता है। सपने में आपको गुरु के दर्शन होने लगते हैं, भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ये सब संकेत हैं कि वो शक्ति वो आपके आसपास है। आपको ज्ञान होने लगा उसको महसूस करने का, बिना ज्ञान के वो महसूस नहीं होती। वो है, सबके आसपास है, वो सबके भीतर है, लेकिन बिना ज्ञान के महसूस उसको कोई कर ही नहीं सकता। और ज्ञान होता है भगवान का नाम जप करने से। और सबसे बड़ी उनकी कृपा का तो तब पता चलता है जब आप नाम के बिना रह नहीं सकते। बार बार आप नाम जप करना चाहते हो तो वो स्वयं आपको याद दिला रहे कि नाम जप करो। आप बेचैन हो, उठते हो, नहीं करते हो तो समझ लो वो आपके आसपास ही हैं, आपको याद दिला रहे हैं बार बार। तो यदि आपको भी ये संकेत मिल रहे तो समझ लीजिए प्रभु आपके आसपास हैं, आप पे कृपा कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर कमेंट करें, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं 9958515054 पर। 21 जुलाई को दिल्ली में सत्संग में आना चाहते हो तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हम आना चाहते हैं दिल्ली में। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेम भक्तों।